सर, मैं जो सक्सेस के लिए करती हूँ वो ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसमें कुछ एडवेंचरस ढूंढती हूँ, जिससे मुझे उसमें और इंटरेस्ट आता है, और ये सोचती हूँ कि तो अभी स्टार्टिंग है तो अभी तो छोटी प्रॉब्लम भी और बड़ी आएगी, छोटी में ही डर गई तो क्या होगा, तो ये सोच के मैं उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ और फिर कभी कोई प्रॉब्लम बड़ी लगती ही नहीं है मुझे। एक्सीलेंट, मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों को आइस स्केटिंग आती है? एम्बियंस मॉल में है ना गुड़गांव में, वो क्या है? एक एडवेंचर स्पोर्ट है। आप जाओगे तो क्या होगा? बार बार गिरोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोशिश करोगे सीख नहीं पाओगे, लगेगी चोट लगेगी, ये क्या है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सोल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, जेन्युइनली, तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी, ये मत समझे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी, क्या होगा? प्रॉब्लम आई, डर गए, ये क्या हो गया? क्या हुआ आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई, मर गए। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया, गए थे बड़े एक्साइटेड होकर के, आइस स्केटिंग करूंगी, आइस स्केटिंग करूंगा, दो बार गिरे, साइड में आकर के बैठ गए, क्या होगा? सारा एक्साइटमेंट खत्म, गिरे और एक्साइटेड हो गए, अरे मजा आ रहा है, हा? मजा आ रहा है, हा? कुछ करने को है, कुछ ग्रो करने का मौका है, समझ रहे हो? बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज डेथ। मौत की जैसी है जिंदगी। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, दो बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है या कोशिश करते रहना? और वो भी एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ, इसलिए नहीं कि किसी ने काम दिया है मुझे आइस स्केटिंग करने का, मजा है, यही तो मजा है। बिजनेस करोगे, हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, मेरे से नहीं होता, मेरे बस का तो नहीं है। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो, है ना? कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सोचो, मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है सीखते कैसे हैं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो।